आज मैंने अदालत में दरखास्त दी है। वैसे तो इस्लामाबाद में बेगुनाह पुलिस मुकाबले में मार दिए जाते हैं, तो मेरा नाम भी यहाँ बेगुनाह है। और मैं जनरल आसम मनीर साहब मुल्क से बाहर गए हुए थे, इसलिए मैंने उनसे दरखास्त नहीं की। मेरे इलाके के हैं, मेरे लिए काबिले एहतराम है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, मेरे घर में पुलिस ने डाका डाला है। और ये शफाक वड़ैच और ये आशिक अली और ये सब मेरे घर से मेरी गाड़ियां, मेरा असला, मेरे फोन, मेरे पैसे ले गए। अगर एक मुल्क के साबक वजीर दाखला जो 16 दफा वजीर रहा हो, उसके घर इस्लामाबाद आप पारा पुलिस जो के मशहूर है मंशियात फरोशी में, और जिसका SHO मशहूर है कि ये खुदादाद हाइट्स की सारी हीरोइन और पाउडर बेचने वाला कौन है, सो ऐसे शख्स को एक दिन में इन्होंने मेरा चलान पेश किया। एक दिन में मैं जिस हाइड आउट में मुझे ले जाया गया इस सर्दी में, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो मेरे दोस्तों का, मेरे महबूबों का हाइड आउट था, मेरे दुश्मनों का हाइड आउट नहीं था। मैंने अपने फोन के पासवर्ड भी दे दिए, अब 20 दिन हो गए हैं। बराए मेहरबानी गाड़ियां सुपरदारी में मिल गई हैं। 23 तारीख को मरी जाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा वो मिल जाए, मेरा लाइसेंस ही असला है और मेरी घड़ियां मिल जाएं। और इलाका मेरा पंजाब का है और डकैती इस्लामाबाद आप पारा पुलिस ने की है। कोई है कानून? जाली पुलिस मुकाबले में मार रहे हैं इस्लामाबाद में लोगों को। सो मैं जनाब सैयद मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इस पर इंक्वायरी अपने तौर पे कर लें कि इन्होंने डकैती की है या नहीं की है। बाकी सदर आरफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है। और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। हमने भी, हम नॉन प्रैक्टिसिंग लायर हैं, हमने भी आईन पढ़ा है, रूल एंड प्रोसीजर पढ़ा है, हमने भी कानून पढ़ा है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। और मरियम बच्चियों की जगह वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है, फिर जुर्रत करो बताओ किसकी हुकूमत है, कौन तुम्हें लेकर आया और किस तरीके से रात के अंधेरे में आए हो। अल्लाह की शान देखो, आरफ अलवी में तारीख भी 9 अप्रैल रखी है जिस रात को शबखून मारा गया। देखें, जिस रात को इमरान खान की हुकूमत पे शबखून मारा गया, वही रात आरफ अलवी ने इलेक्शन की रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये अजीम अफवाज है, अजीम एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान को बचाया जाएगा। पाकिस्तान का गरीब शहरी एड़ियां रगड़ रहा है, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहा है, और इस्लामाबाद की पुलिस जाली पुलिस मुकाबले कर रही है और हेरोइन और पाउडर और शराब बेच रही है। और जो दो थाने पहुंच बेच रहे हैं, अगर अदारों को इसका ही पता नहीं है तो फिर किस चीज का पता है। सो मैं कल से इमरान खान की जेल भरो तहरीक भी चल रही है, 23 को मेरा मरी में केस है, अगर कहें तो मैं 22 को ही गिरफ्तारी देने के लिए लाहौर से तैयार हूं, पिंडी से तैयार हूं। क्योंकि जब कोई हल ना निकले तो अपने जमीर को तो जिंदा रखा जाए, इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी। और अगर 10 मिनट की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 5 हो गए हैं, 3 सवाल कर। शेख साहब, ये सदर पाकिस्तान ने जो इलेक्शन के हवाले से अनाउंसमेंट की है, आप क्या समझते हैं कि अब ये हो जाएंगे या फिर डिले करेंगे? मुझे ये नहीं पता होंगे या ना होंगे, ये ढोल इनके गले में लटका रहेगा। अगर जो सियासी जमात इलेक्शन से भागती है, इसका मतलब ये है कि वो सियासी जमात नहीं है, वो माफिया। ये प्राइवेट जहाजों में सफर करें, 10 महीने का साफी काम करें। एक तो ये इनके हवालात मेरे साथ चलें, आप पारा सेक्रेटेरिएट और इंडस्ट्रियल एरिया में सबको साथ देके जाऊंगा, इनके हकूमत खाने देखें कि इनके अंदर गरीबों के साथ क्या हो रहा है इस सर्दी में। और दूसरा ये देखें कि ये प्राइवेट लाइनों में कितनी ट्रैवलिंग हुई है और कितना अरब रुपया लगा है। और 88 वुजरा है इनमें से, कह रहे हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे। किसी का ऐलान तो करे ना, फलाना तनख्वाह नहीं लेगा। ये गाड़ियां पेट्रोल से नहीं चलती, ये किसी और चीज से चलती हैं। फिर सो बिल्कुल ठीक ऐलान किया अलवी ने, आईनी और कानूनी। सेकंड सवाल, कुछ ऐलान में 7 गवाह रखे गए कि सारे ही 12 पुलिस के जो मुलाजमीन हैं,
मैं तो कुरान लेकर अदालत में जाऊंगा, मुझे सजाए मौत दे दी जाए या इनका फैसला करें कि ये बदनाम जमाना जो आप पारा पुलिस पाउडर बेचने वाला आशिक और ये इश्फाक वड़ैच, इन्होंने मेरे घर डकैती की। मैं 16 दफा वजीर रहा हूं, एक दफा इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूं, ये मुझे सलूट पेश करते रहे, मुझे गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते रहे। अगर जिसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते रहे उसके घर डकैती कर सकते हैं, तो गरीब की झुग्गी को कौन बचाएगा इस मुल्क में। थैंक यू।